दरअसल हम तीनों वो कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है ना, उसके बारे में बात करने आए। हाँ जेठाबरा, वो मैं भी सोच रहा हूँ कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन अपने गैराज में लगवा लूँ। तो देखो तो सही, अपने यहाँ सब्जी वाली जो आती है उसने भी पेमेंट कार्ड स्वैप करने वाली मशीन से लेना शुरू कर दिया यार। सही बात है, और मुझे भी कार्ड वाली मशीन की जरूरत पड़ने लगी है। आजकल जो भी पेशेंट आता है या तो वो कार्ड से पेमेंट करना चाहता है या तो फिर वो मोबाइल से पेमेंट करना चाहता है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कार्ड स्वैप वाली मशीन लगवा लूँ। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बराबर है, लेकिन बेटा तुझे भी यह कार्ड वाला मशीन लगवाना है? हाँ। अच्छा अच्छा, माधवी भाभी ने बोला होगा ना मशीन लगवाने का? तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई, तुम हमेशा अपने जमाने की बात करते रहते हो, तो आज के जमाने की बात तो माधवी भाभी ही कर सकते हैं। नहीं बराबर है जेठालाल, ये माधवी का ही आइडिया है। हाँ देखा, क्या है ना, वो आचार वावड़ का बिजनेस करती है ना, तो उसने बोला कि हमारे पास भी एक मशीन होना जरूरी है। हाँ। क्या, मेरे पेमेंट तो चेक से आते है ना, तो उसके लिए वो मशीन जरूरी है। लेकिन माना कि मैं हमारे जमाने की बात करता हूँ, लेकिन इस जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलता भी हूँ। हाँ ब्लू, वो तो है यार। वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा विचार है, मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे अभी पूरे देश में सबको ये कार्ड वाली मशीन अपनानी पड़ेगी। और अच्छा भी है, इससे क्या है पूरा जो हिसाब किताब एकदम पारदर्शक हो जाएगा। सही बात है, फिर पूरे देश में सफेदी सफेदी होगी। सफेदी? अरे भाई, काला धन खत्म हो जाएगा तो सफेद धन की सफेदी पूरे देश में होगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जेठालाल, ये बताओ कि ये कार्ड स्वाइप करने वाला मशीन जो होता है वो कैसे और कहाँ मिलता है? वैसे तो बैंक के जरिए मिलता है, लेकिन एक छोटा मशीन भी आता है जिसको मोबाइल के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। मेरी दुकान में जो मशीन फिट करके गया ना, वो अपना दोस्त ही है, मैं बोल दूंगा तो वो भी तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मशीन दे देगा। वाह वाह, अच्छा। लेकिन इसका अंदाजे खर्चा कितना होता है? 1 लाख होगा। 1 लाख? अरे मजाक कर रहा हूँ। खर्चा कुछ बहुत साधारण सा है, कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं। तेरा जो बजट होगा ना उसमें तेरा काम कर देगा, चिंता मत कर। चलो भी चलते हैं। अरे क्या चलते हैं, चाय आ रही है छोटी। और नहीं जेठाबरा, वो चाय नहीं पीनी। ले क्यों, क्या हुआ? और जेठाबरा, वो तुम्हारा इतना बड़ा 50 लाख का टेंशन दूर हो गया, आप चाय पिलाओगे? तो और क्या पीना है? चाय यार। वाह वाह वाह, ये गर्मा गर्म चाय, क्या बात है, मसाले की खुशबू आ रही है यार। हा हा हा, इसे कहते हैं अमृत तुल्य। वाह दया भाभी वाह, चाय वाकई बहुत बढ़िया बनी है, आपके हाथ में जादू है। थैंक यू। वाह वाह, मजा। वाह 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 वाह, प्रतीम दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। अरे उसमें क्या, चलो चलते हैं। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। ओहो गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी, क्या बात है, इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। पोपटलाल, तुम प्रेस में काम करते हो कि मैरिज ब्यूरो में? मतलब कितनी बार जाते हो मैरिज ब्यूरो में भाई? अरे भाई मैरिज ब्यूरो में पैसे भरने जा रहा हूँ। ओहो, मतलब तुमने जो 15,000 इकट्ठा किए थे 500 और 1,000 के नोट, वो अभी तक भरे नहीं? अरे भाई, सरकार के 500 और 1,000 के नोट बंद करने के ऐतिहासिक निर्णय की वजह से पत्रकारों का काम बहुत बढ़ गया है, तो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तुम पैसे भर के गुलाबी इम्प्रेशन जमाओगे? हाँ गुलाबी इम्प्रेशन। हाँ मतलब अभी 500 और 1,000 की नोट तो रद्द हो गई है ना, तो तुम 2,000 की नोट भरोगे, तो वो गुलाबी है ना, गुलाबी इम्प्रेशन। नहीं 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 भाई भिड़े, मैं मैरिज ब्यूरो में चेक देने वाला हूँ। ओहो क्या बात है, और वैसे भी आजकल चेक या कार्ड से पेमेंट करने के बाद इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। नहीं मैरिज ब्यूरो में तुम पेमेंट देने जा रहे हो? हाँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पोपटलाल। गलती? कैसी गलती? हाँ जेठालाल, चेक से पेमेंट करने में क्या गलती है? नहीं नहीं, चेक से पेमेंट देने में गलती नहीं, मैरिज ब्यूरो में जो पेमेंट देने जा रहा है ना वो गलती कर रहा है। कैसे कैसे कैसे? अरे भाई, तुम मैरिज ब्यूरो में पैसे क्यों भरते हो? ताकि वो लोग तुम्हें शादी इच्छुक लड़की से मिलवाए। बराबर बराबर। तभी आजकल तो बिना मैरिज ब्यूरो में जाए भी तुम शादी इच्छुक लड़की से मिल सकते हो। कैसे? बैंक की लाइन में खड़े होके। बैंक की लाइन में खड़े होके? अरे भाई आजकल बैंक के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, तो उन लाइनों में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होगी
जिनको शादी करने की इच्छा होगी। लेकिन जेठालाल एक शंका है, कैसे देख के कैसे पता चलेगा कि जो लड़की खड़ी है वो अविवाहित है या शादी इच्छुक है? नहीं नहीं बराबर है, वो हम जैसे लोग को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाई साहब के पास तो सालों का अनुभव है ना, वो तो देखते ही भांप लेंगे। जेठालाल ये मजाक का विषय नहीं है। नहीं नहीं मजाक, ये तो मजाक कर रहा है। नहीं अजीब बात नहीं। हाँ मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत गंभीरली बात कर रहा हूँ। गंभीरली सीरियस पणे सीरियस पणे हाँ, तो गंभीरली सीरियस पणे। क्या बात है भाई, किस बात पे हंस रहे हो, जरा हम भी हंस ले। अरे कुछ नहीं मेहता साहब, मैं पोपटलाल को जरा सुझाव दे रहा था। ओके अभी मैरिज ब्यूरो में चेक भरने जा रहा है, तो मैंने बोला भाई मैरिज ब्यूरो में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, आजकल तो बैंक की लाइन में खड़े हो जाओ, वहाँ भी कई शादी इच्छुक लड़कियाँ मिल जाएगी। नहीं मिलती है। मतलब अभी जेठालाल तुम जो सुझाव अभी दे रहे हो ना, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मतलब बैंक की लाइन में तुम लड़की का इंटरव्यू ले चुके हो? इंटरव्यू ले? मैं बैंक की लाइन में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं खड़ा था, मैं पैसे भरने के लिए ही खड़ा था। लेकिन सुयोग से मेरे पीछे एक कन्या थी। कहाँ से, कौन से एरिया से? अरे भाई सुयोग मतलब मेरे सौभाग्य से पीछे कन्या खड़ी थी, तो मैंने बातों बातों में शादी की बात छेड़ दी। हाँ तो फिर? अरे फिर क्या भाई, अभी मैरिज ब्यूरो में चेक देने जा रहा हूँ, तो समझ लो ना क्या हुआ होगा। ओ अच्छा, खंडन गोपाल। चलिए हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन हमें बधाई देनी चाहिए पोपटलाल को, दो दो बढ़िया काम कर रहा है भाई। दो अच्छे काम कौन से मेहता साहब? पहला अच्छा काम तो इन दिनों जो मंदी चल रही है, उस मंदी के दौर में पोपटलाल मैरिज ब्यूरो में पैसे देने जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था को योगदान दे रहे हैं अपना। और दूसरा अच्छा काम, चेक से पेमेंट कर दे, कितना बढ़िया है, सब कुछ कैशलेस है। थैंक यू। करेक्ट है मेहता साहब, मैंने सोड़ी और हाथी भाई ने तो वो कार स्वाइप मशीन लेने का नक्की कर भी लिया। वाह बहुत अच्छी। और मैं तो भाई दूध का झला हूँ, तो अभी छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा। अभी तो मैंने तय किया जितना हो सके रोकड़े का धंधा एकदम कम करना है। नहीं ये तो नए परिवर्तन का दौर है, ऐसा होना भी चाहिए। क्या बढ़िया बात है ना, जमाना बदल गया एकदम। सब्जी वाले से लेके शिक्षक तक सब लोग चेक और कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे, कितना बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो है ये सब होगा, हर छोटे से छोटे लेन देन का हिसाब किताब रहेगा, तो सिस्टम में कितनी पारदर्शिता आ जाएगी। और सबसे मेन बात, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। हाँ इसीलिए पोपटलाल तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, इसलिए मैरिज ब्यूरो में जाओ, चेक से पेमेंट कर दो। थैंक यू। और पोपटलाल मैं क्या कहता हूँ, मैरिज ब्यूरो में तो ठीक है पैसे भरो, लेकिन साथ में वो बैंक की लाइन की कोशिश भी चालू ही रखना। जेठालाल मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, मैं बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अरे भाई पोपटलाल, अरे खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है और ये जिंदगी तो खुशियों की दावत है, और तुम अपने गुस्से से इस दावत से अदावत क्यों कर रहे हो भाई? ओहो, क्या बात कही मेहता साहब, जिंदगी तो खुशियों की दावत है, इस पे तो सुविचार होना चाहिए ना। वाह वाह वाह, जिंदगी खुशियों की दावत है, गुस्सा करके इस दावत से अदावत मत कीजिए। चलो आज खुशियों की दावत मनाते हुए साथ में चलते हैं, मैं आपको ऑफिस छोड़ते हुए निकल जाऊं। फिर तो मजा आ जाएगा, दोस्तों के साथ तो दावत में चार चांद लग जाते हैं। चलो पोपटलाल, कहा सोना माफा भाई, मन पे मत लेना। नहीं नहीं भाई नहीं, चलो शाम को मिलते हैं। चलो पोपटलाल मैं भी चलता हूँ, मुझे मार्केट जाना है। अरे वाह, मैरिज ब्यूरो मार्केट के पास में ही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक से भले दो। लेकिन हम लोग ऑलरेडी दो है। तो माधवी भाभी भी साथ में आ रही है? नहीं नहीं, मैं और सखाराम। अच्छा तो फिर दो से भले तीन, चल 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 चल। येना रस्तू में सखाराम भेड़ी है अपना। ओह क्या बात है भाई भिड़ा, सखाराम तो एकदम चमक रहा है। अरे भाई चमकेगा ही ना, मैं रोज टाइम टू टाइम इसकी सफाई करता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता हूँ, टाइम टू टाइम तेल पानी पेट्रोल सब चेक करता हूँ भाई। क्या बात है भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी का एक मेवा सखाराम एकदम उसके तो ठाट है। होंगे ही ना भाई बिल्कुल। चल भाई देखा आधे में सेल्फ स्टार्ट हो गया कि नहीं, क्या बात है भाई। चलिए सखाराम। समझ गया भाई, बंद कर। अरे बंद कर, बंद नहीं हो रहा भाई ये सकरम, क्या हो गया तुझे भाई, बंद हो जा। क्या बात है भाई भिड़े,
तू तो रोज सुबह उठ के सफाई करता है, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता है, रोज ये पेट्रोल ऑयल पानी सब चेक करता है, तो फिर ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या मालूम वो अपने आप ही। अरे ए भाई सकराम शांत हो जा भाई। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मुझसे यह ध्वनि प्रदूषण सहन नहीं होगा भाई, मैं चल रहा हूँ। अरे वाह। चलो क्या हो गया? बंद हो गया ना? चलो। नहीं वो बंद नहीं हुआ, दरअसल मैंने स्कूटर बंद कर दिया। ओहो। लेकिन बैठो बैठो भाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, अभी आवाज नहीं करेगा सकराम, है ना? अच्छा चल भाई सकराम, क्या कर रहे तुम भी? अरे अरे भाई भिड़े, तू इसको सोड़ी के पास लेके जा, वरना पूरे रास्ते में सब परेशान होंगे। हाँ अभी वही करना पड़ेगा। और मुझे वहाँ बाहर नाके तक छोड़ दे, मैं वहां से रिक्शा ले लूंगा। अरे चलो। हाँ भाई। अरे पिड़ो की हो गए, हॉर्न बंद कर यार। अरे हॉर्न ही तो बंद नहीं हो रहा ना जोड़ी। बोल पिड़ो बोल, की खुशखबरी है? अरे खुशखबरी नहीं है, अरे खुशखबरी नहीं है भाई, खबर ये है कि इसका हॉर्न बंद ही नहीं हो रहा है भाई। अरे क्या हुआ, मैंने जैसे स्कूटर चालू किया ना सुबह, तो हॉर्न बजाया ऐसे ही, तो हॉर्न चिपक गया। ओ पिड़ो, ओ फिकर मत कर, हॉर्न ठीक हो जाएगा, चालू कर। अच्छा बंद कर, वापस चालू कर। बंद कर, फिर तो चालू कर। क्या चालू बंद चालू? पिड़ो मैकेनिक कौन है? तो चालू तो किया था। समझना पड़ता है प्रॉब्लम को पिड़ो। पिड़ो बंद कर। अरे भाई मुंडी क्यों ला रहे हो, बताओ ना, मुझे टेंशन हो रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिड़ू। बड़ी प्रॉब्लम मतलब कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पिड़ू। नहीं मतलब वायरिंग में प्रॉब्लम होगी ना, मेन इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक हो जाएगा ना प्रॉब्लम? तो तेरे पास इसका इंश्योरेंस तो है ना? इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? खर्चा अगर ज्यादा हो जाए तो जरूरत पड़ेगी ना। ज्यादा हो जाएगा तो मतलब इतना ज्यादा खर्चा होगा? हो भी सकता है। अरे बता भाई मुझे टेंशन हो रहा है। अरे भाई, भाई तू हंस क्यों रहे भाई, बता तो सही बात क्या है? कैसा बकरा बनाया? बकरा मतलब तुम मजाक कर रहे थे? अरे हम गोकुलधाम वाले तो रोज मजाक करते हैं यार। अच्छा सच बता तू डर गया था ना? डर गया था मतलब, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ भाई, इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है सोड़ी। ओए इसकी तो ऐसी की तैसी, पिड़ो देख कैसे इसको ठीक करता हूँ। अरे इसका हॉर्न तो बंद हो गया। अरे वाह वाह, थैंक यू सुड़ी, क्या बात है। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारा मुक्का पड़ते ही हॉर्न कैसे बंद हो गया। अरे रोशन सिंह सोड़ी के मुक्के से बड़े बड़े बंद हो गए, और ये तो अपने घर का बच्चा है सकराम। अरे नहीं वो बात बराबर है सोड़ी, लेकिन मैं एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि सर्दी का मौसम हो गया है, तो वायरिंग कई बार आपस में जुड़ जाती है, उसको जब चटका मारते हैं ना तो वायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और वैसे भी क्या है, हम लोग मैकेनिक है, हमको पता है कि मुक्का कहाँ मारना है। वाह वाह वाह, क्या बात है सोड़ी, थैंक यू सो मच। अब मोस्ट वेलकम यारा। अच्छा इसका बिल कितना हुआ? क्या बोला तुम, बोल ना। अरे नहीं मतलब तुम होटल के गैराज के मालिक हो ना, तो गाड़ी ठीक हो तुम बिल देते हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। ओए फालतू बकवास की ना, तो सकाराम को फिर से मुक्का मार के इसका हॉर्न चालू कर दूंगा। सॉरी तू तो बिगड़ गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मैं भी मजाक कर रहा था यार। चलो फिर शाम को मिलते हैं ना। चलो ओके चलो, और कोई भी टेंशन ना फोन कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओके मिलते हैं। चल भाई, इंजन में से फोन की घंटी की आवाज। हाँ जी मुझे भी आ रही है।
वो तो मेरे फोन में घंटी बज रही है। बच्चे यार ठीक रहे हो, है कमाल कर दो कड़ी देंगे यार ठीक कर। अरे वाह क्या बात है। ओए मंजीता की हाल है? और रोशन मेरे यारा कैसा है तू? ओए एकदम बढ़िया फसला तड़क तड़क मजे मजा बल्ले बल्ले। ओए तू दस तू कितना है यार? ओए साड़ी गड्डी तो टॉप गियर ते चल रही है, तू सुना साड़ी गड्डी फ्लाइट मोड चल रही है। और वही मंजीते आज अपने यार को कैसे याद किया? और रोशन उस सब यार इकट्ठे हुए हैं, जगजीत कुलजीत रमनजीत, कोई कोई नहीं है यारा, इसलिए तुझे फोन कर दिया। सब तुझसे बात करना चाहते हैं, ये फोन स्पीकर पे है। ओए चक दे फटे रोशन, क्या तेरी मंजीते जगजीते रमनजीते ओए कुलजीते ओए सारे इकट्ठे। ओए मुझे लगता है आज यारों की खास महफिल सजने वाली है। और रोशन आज तो रात को यारों की महफिल जमेगी, पार्टी शार्टी होगी। पार्टी शार्टी? ओ दोस्त यार होंगे, वो अंगूर का पानी भी होगा, पर यारा तू नहीं होगा। ओ यारो ओए मैनू भी तुम सबके साथ पार्टी शार्टी करने का बहुत दिल कर रहा है यार, मैं की करा? ओए की करे, ओ तू उठे मुंबई विच ते असी पटियाले विच। कोई काम करता हूँ, गैराज से सीधे जाता हूँ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पकड़ता हूँ फ्लाइट और चंडीगढ़ से पहुंच जाता हूँ सीधे पटियाले, और फिर मिलके करते हैं पार्टी शार्टी। हैं? ओए ओए दिल खुश कर देता मेरे जिगरे, आजा आजा। और ठीक है यारा फोन रख, मैं बड़ा फट कुछ जुगाड़ लगाता हूँ और वहां पे पहुंचता हूँ। चंगा सतिकाल। ओहो आज के आज पटियाला जाने की बात रोशन डार्लिंग से कैसे करूं? तेरी वो रोशन डार्लिंग को याद किया, रोशन डार्लिंग का फोन। ओए 100 साल तो कम से कम जिएगी मेरी डार्लिंग। अरे रोशन डार्लिंग कॉल कर देता यार, ओ मैं तुझे फोन घुमाने वाला था, तूने ही फोन घुमा दिया, कितना प्यार है हमारे बीच में। चल चल अबे, तू हमेशा ऐसे ही बोलता है रोशन। ना ना सुनिए, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आई लव यू। आई लव यू। अच्छा सुनिए, वो मैंने ना तेरे से एक बात करनी थी। ए रोशन जो बोलना है वो घेर आके बोलना, पहले तुम्हारी बात समझ, तू आज गैराज से थोड़ा जल्दी आ जाना। सुनिए रोशन, आज आउटा वक्त तू थोड़ा पालक की भाजी और पनीर लेते आना। पालक पनीर बनाने का सोच रही हूँ। हाँ सुनिए, लेकिन मेरे और हाँ आउटा वक्त 1 किलो दही पर लेते आना, थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है रोशन डार्लिंग, सब लेके घर पहुँचता हूँ। ओके लव यू, बाय बाय। रोशन सिंह सोडी का फोन है, लगता है फ्लाइट में बैठ गया। हाँ रोशन। ओ मंजीते सत श्री अकाल, ओ यार बड़ा अर्जेंट काम आ गया तो मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा। ओ कोई गल नहीं यारा, ओ हम लोग यहाँ पार्टी करके तुझे याद कर लेंगे और तू वहाँ पर गोकुल धाम वालों के साथ पार्टी शार्टी करके हम सबको याद कर लेना। ओए एडवांस में चीयर। अरे वाह मंजीते ने क्या बढ़िया आइडिया देता है, वैसे भी हम गोकुल धाम के जाने कितना टाइम से पार्टी शार्टी नहीं किया, और शाम को अब्दुल शॉप पे मिलके प्लान करते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, अब्दुल बहुत बोला है कि गलती से उसने सबको बोल दिया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, तो किसको बोलूं, किसके घर मिले? ओए अपना कुवारा पप्पू कब काम आएगा। हेलो अब पापा क्या हाल है यार? अरे भाई अभी आटा गूंद रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। ओ मैं तेरे को गूंद दूंगा, बात सुनता है कि नहीं? बोल बोल भाई क्या है? ओ आज शाम को अब्दुल शॉप पे जाने से पहले तेरे घर पे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सोसाइटी की मीटिंग मेरे घर पे क्यों करनी भाई, उसके लिए क्लब हाउस है ना। वो सोसाइटी की मीटिंग नहीं है। तो फिर किसकी मीटिंग है? ये हम गोकुल धाम के जेंट्स लोगों की मीटिंग है, समझा? अरे भाई जेंट्स लोगों को ही मिलना है तो मेरे घर पे क्यों करनी है मीटिंग? अभी सोडा पीने के लिए मिलेंगे ना अब्दुल की दुकान पर, तब कर लेंगे मीटिंग। तेरे घर पे रखेंगे तो तुझे कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन क्या है ना पर... लेकिन कुछ नहीं, वो सोडा शॉप से पहले तेरे घर पे मीटिंग है, बस फाइनल। ओके अभी आ जा गुन। मोदी का भी कुछ समझ में नहीं आता, घोड़े पे सवार होके आता है। हाँ बोल सोड़ी। और शाम को अब्दुल शॉप से पहले पोपो के घर पे अर्जेंट मीटिंग है। क्यों? अरे कोई इमरजेंसी है यार। इमरजेंसी? हाँ जी भाई, वो रात को आपको पता चल जाएगा। हाँ फोन तो सबको हो गए, अभी होगी शाम को मीटिंग और फिर होगा
किशन पार्टी शाटी। हाँ बोल सोड़ी। ओ शाम को अब्दुल शॉप से पहले पप्पू के घर पे अर्जेंट मीटिंग है। सोड़ी, सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कौन है? पिड़ू तेरी आदाश को क्या हो गया? वो तेरी आदाश चली गई है यार। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी तो तू ही है। अरे सोड़ी, मेरी याददाश्त नहीं चली गई है भाई। सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते मीटिंग की जगह और टाइम मैं तय करूंगा। श्रीमान आत्माराम तुकाराम पिड़ू साहब जी, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है, ये आपके दोस्त रोशन सिंह थोड़ी की मीटिंग है, इसलिए इसकी सेक्रेटरी भी मैं हूँ और समय और साथ में स्थान मैंने तय कर दिया है, समझे आप? हाँ, लेकिन मीटिंग का एजेंडा क्या है? वो शाम को मीटिंग में ही बताऊंगा जी। अरे लेकिन शाम को आप पप्पू के घर पहुँच जाना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ सोड़ी बोलो। अति भाई, शाम को अब्दुल शॉप पे जाने से पहले पप्पू के घर पहुँच जाना। ओके, क्यों? अरे कोई इमरजेंसी है यार। इमरजेंसी? पोपटलाल की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसकी तबीयत खराब होती तो अभी बुलाता ना, शाम को क्यों बुलाता? तो फिर क्या इमरजेंसी है सोडी? हाजी भाई, वो रात को आपको पता चल जाएगा। हेलो, कमाल है, सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर। हाँ बोल जोड़े। वो शाम को अपने शॉप से पहले पप्पू के घर पहुंच जाना। ओके टाटा बाय बाय। अरे लेकिन किस लिए मिलना है, बहुत बताया ही नहीं। तारक मेहता साहब, शाम को अब्दुल शॉप पे जाने से पहले पप्पू के घर पे अर्जेंट मीटिंग है, पहुंच जाना। ओके, क्यों? अरे भाई, एक ऐसी बात है जो खुले में नहीं हो सकती। अरे जैसे क्या बात है जो खुले में नहीं हो सकती भाई? ओ, मैं तो अनु मीटिंग इसी दसांगा, पर हाँ बेटा भाई काम करना, मैं तो आपको फोन कर देना, उनका फोन लग नहीं रहा है। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, सी यू। हेलो हेलो छोटी, फोन तो सबको हो गए, अभी होगी शाम को मीटिंग और फिर होगा मिशन पार्टी शाटी। मालूम है, मैं तो सबको क्या बताऊं, वो भी मुझे यही पूछेंगे भाई क्यों मिल रहे। जेठालाल ऑफिस से घर के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो घर पे ही बता देना। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, मैंने अपने लिए फोन नहीं किया है। तो किसके लिए फोन किया है? छोटी के लिए, मतलब छोटी का भी फोन था, उसने बोला कि आज छोटा सबसे पहले हम सबको पोपटलाल के घर पे मिलना है। छोटी को क्या प्रॉब्लम है? सर छोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोपटलाल को प्रॉब्लम है? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब। तो क्या? मेरे कहने का मतलब है, तू छोटा शॉप से पहले पोपटलाल के घर क्यों मिल रहे? नहीं वो मुझे नहीं पता, छोटी का भी फोन था, उसने इतना ही बोला कि सोडा शॉप से पहले हम सबको पोपटलाल के घर पे मिलना है, मेहता साहब को भी बता देना। तो मैंने आपको फोन करके बता दिया। तो भाई जब सोडी ने तुमसे ये कहा कि सोडा शॉप से पहले हम पोपटलाल के घर मिलने वाले हैं, ये बात तुम मेहता साहब को बता दो, तो सोडी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हम पोपटलाल के घर क्यों मिलने वाले हैं? अरे नहीं बताया, बताया होता तो मैं आपसे छुपाता क्यों, आपको भी बता ही देता ना भाई। ठीक है, चलो मिलता है शाम को। हाँ ओके ओके। मैंने जब शाम को तुझे फोन किया था तो तू कुछ कहने वाला था ना? ओ तेरी, एनो तो सब याद है। ओ यार, अगर इसको पता चल गया ना कि मैं पार्टी शार्टी करने के लिए पटियाला जाने की सोच रहा था, तो कल की पार्टी शार्टी भी कैंसिल करवा देगी। इतना क्या सोच रहा है? बोलनी बाबा, क्या कहने वाला था? मैं सोनिया क्या कहने वाला था? कुछ भी तो नहीं। रोशन, तूने कहा था कि तू कुछ कहना चाहता है, और मैंने कहा था कि घेर आके बताना। अच्छा, मैंने एमें क्या सी? की गल सी, सुनिए कोई गल नहीं सी। ए रोशन, कुछ तो गल सी, वरना तू धड़ाक से बात बोल देता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ रोशन, ऐसा नहीं बोलता। हाँ ओ याद आ गया, सुनिए याद आ गया। ओ सुनिए, जब तूने मुझे फोन किया था तो मैं तुझे क्या कहा था कि मैं तुझे फोन करने ही वाला था, तेरी उम्र 100 साल से ऊपर की है। एक्चुअली मैं भी तुझे यही बोलने वाला था कि आज पालक पनीर दही खाते हैं, और तूने उसी बात का ऑर्डर दे दिया। देखा कितने अपने विचार मिलते हैं जैसे अपने नाम मिलते हैं, रोशन एंड रोशन। अच्छा, तूने पहले तो ऐसा कभी नहीं सोचा? और सुनिए, हर चीज कभी ना कभी लाइफ में पहली बार तो होती है ना। अब तो दिमाग की गड्डी को ज्यादा लोड ना दे, और चिल कर यार। चलो मैं निकल रहा हूँ, और पप्पू के घर जाना है। पोपट भाई के घर? सुनिए, तू भी कमाल कर दिया, पप्पू का भी मुझे फोन आया था, तो उसने कहा था इकट्ठे ही चलते हैं, तो
मैं गलती से बोल गया कि पप्पू के घर जा रहा हूँ, अभी उसको नीचे मिलूंगा, फिर अब्दुल शॉप पे जाऊंगा, सोडा पीऊंगा, ठीक है? भाई हम सब तो आ गए, लेकिन मेन आदमी उत्साह मूर्ति सोडे का है। जेठालाल उत्साह मूर्ति नहीं, उत्सव मूर्ति असते। आता इकडे उत्सव आहे नाही? हां, तो सर्वात जास्त उत्साह कोणाला असते? बरोबर, सोडीला। उत्साह मूर्ती करेक्ट आहे। हा तो है का सोडी भाई, पोपटला फोन लगा। ये हमेशा का इसका, जब भी फोन लगाने को बोलते तो सुना नहीं देता इसको। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं मेरा फोन कहाँ है, मैंने कहाँ रख दिया है। राव दे, राव दे, राव दे। फोन तो जेब में ही है। अरे मुझे क्यों लगा रहा है? हाँ, मिल गया ना फोन, अभी सोडी को फोन लगाओ। फोन मिळत नाही प्रत्येकाला म्हणजे। हा असं करायला लागतं। ओ बोल बाबू, बोल की आले। अरे आ गया तो फोन क्यों उठा? अरे पप्पू, ओ बताता हूँ, पहले एक काम कर, फोन को वापस अपने कान पे लगा। ओ पप्पू, तो तेरा कॉल वेस्ट ना हो इसलिए उठा लिया। आई रिस्पेक्ट यू मैन। नहीं कर सकते थे जिसके लिए सबको यहाँ बुलाया। हाँ सोडी बताओ प्लीज। ओ बताता हूँ बताता हूँ। यारो, तो तुम सबको ये नहीं लगता कि बहुत टाइम से अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सूखी सूखी है? अरे ये तो अच्छी बात है ना सोडी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग सुखी है तो अच्छी बात है ना। ओ जेठा ब्रा, वो हैप्पी वाला सुखी नहीं, वो ड्राई वाला सुखी। कैसी बात कर रहा है सोडी? इस साल तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई, घर में पानी भी बराबर आता है। मेरे घर पे भी बराबर पानी आ रहा है, और गार्डन में भी कुछ ड्राई नहीं है, सब हरा भरा है, ग्रीनरी है। तो होगा ही ना यार, भाई मैं अपने सोसाइटी का पानी का बिल म्युनिसिपैलिटी में टाइम टू टाइम भरता हूँ, और सप्लाई भी अच्छा है, तो ड्राई कहाँ से होगी सोडी? ओ पिड़ो, ओ मैं सोसाइटी की नहीं, ओ हम सब की बात कर रहा हूँ यार। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं? हाँ हो गई है। तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो सर्दियों में बहुत याद आती है। रजाई? नहीं, स्वेटर। ओ ना जी, कंटोपा, वो मंकी कैप। ओ नहीं 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 नहीं, अंगीठी। सर्दियों में अंगूठी का क्या काम है? अरे अंगूठी नहीं अय्यर भाई, अंगीठी। अंगीठी अपने लोग भाषा में जिसको सिगड़ी बोलते हैं ना, वो कोयला रख के और जिसपे हाथ वाथ सेकते हैं। समझा समझा। वो नहीं यारो, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, तो तू क्या बात करना चाह रहा है सोडी, जरा खुल के बताना, पहली अब क्यों बुझा रहा है भाई? ओ बताता हूँ बताता हूँ बाबू, एक काम कर, फटाफट दरवाजा बंद कर, अरे जल्दी करना यार, इतना टाइम लगाए जा रहे हो, वैसे ही इतना टाइम निकल गया। यार हो गया बंद, मैं बोल रहा हूँ, चल गया। अरे बैठ जा, बैठ बैठ बैठ, अपना ही घर समझ। सर्दियों के दिन है, मौसम भी है, मूड भी है, तो चलो मिलके कुछ प्लान शलान करते हैं ना। प्लान शान मतलब? ओ कितने वक्त से हम यारों ने पार्टी शार्टी नहीं किया। क्या जबरदस्त विचार प्रकट किया, मजा आ गया। सड़े तुम्हारा बात बिल्कुल करेक्ट है। हाँ सूरी, तूने कहा तो रियलाइज हुआ कि ऐसा लगता है कि सदियों से हमने सोमरस का पानी नहीं किया है। अरे लगता है क्या, किया ही नहीं है। अरे भाई कितने दिनों से सोसाइटी ने पार्टी शार्टी की शक्ल नहीं देखी। नहीं देखी। सोसाइटी अपने आप ही पार्टी शार्टी थोड़ी ना करने वाली, हम सबको मिलकर ही करनी पड़ेगी ना पार्टी शार्टी। सही बात है, करते हैं करते हैं पार्टी शार्टी का प्लान करते हैं। हाँ तो फिर कल मिलजुल के पार्टी शार्टी करते हैं। नहीं 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 भाई, कैंसल कैंसल, पार्टी का प्रोग्राम कैंसल। भाई क्यों क्यों कैंसल क्यों?
ओए पप्पू, तेरे को पार्टी शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, हाँ तुमने पीना छोड़ तो नहीं दिया ना? अरे क्या छोड़ दिया भाई, पार्टी में सबसे पहले ग्लास यही उठाते है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पार्टी शार्टी कैंसल। अरे क्या समझना है तेरे को, पार्टी शार्टी की प्रॉब्लम क्या है? मैं सब बताता हूँ, तू शांति से बैठ जा। ले बैठ गया, अब बोल प्रॉब्लम क्या है। भाई भिड़े, तू शिक्षक है तो बता, इतिहास किस लिए होता है? भी इतिहास का और पार्टी शार्टी का क्या कनेक्शन है? भाई बताता हूँ, बताता भाई, इतिहास गलतियों से सीखने के लिए होता है, गलतियां दोहराने के लिए नहीं। भाई याद करो, जब जब हमने पार्टी शार्टी की है तब तब क्या हुआ है? याद करो। ए! जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब बनाता है। हाँ, बापूजी को पता चल गया था तो उन्होंने पीने की एक्टिंग करके हम सबको पागल कर दिया था। एक शिक्षक होकर कब से झूठ बोल रहे हो माधवी? अरे काय माधवी, एक शिक्षक होकर पत्नी से बेवफाई कर रहे हो माधवी? अरे काय माधवी, काय माधवी, आज एक शिक्षक पत्नी की नजरों में फेल हो चुका है। हाँ, एक बार हम सबकी पत्नी को भी पता चल गया था। तो कैसे पुलिस के चक्कर में फंसे थे हम लोग भाई। सही बात है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। हर बार कोई ना कोई बड़ा गड़बड़ होता ही है। नहीं नहीं, पोपटलाल की बात बरोबर है भाई, हमें यह पार्टी शार्टी का प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। आई एग्री। अरे भाई, झूठी होशियारी दिखाने का कोई फायदा नहीं है, अगर पकड़े जाएंगे ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ, हेकड़ी भर के हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं करेक्ट है सोड़ी, जब तक तो कोई फुल प्रूफ प्लान ना हो ना, तब तक पार्टी शार्टी करना डेंजरस है भाई। यस यस, कल पार्टी शार्टी करने का आइडिया ड्रॉप करते हैं। ओ यार, वो ऐसे कैसे पार्टी शार्टी करने का प्लान ड्रॉप करते हैं यार? वो मैं बताता हूँ, कोई भी मुश्किल आ जाए उसका कोई ना कोई हल निकलता ही है। हम लोग सोचेंगे ना तो हमको आइडिया आएगा। तो यार सोचो, कोई अच्छा सा आइडिया सोचो। मेहता साहब, शुरू हो जाइए। मतलब सोचिए, कोई आइडिया सोचिए। डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। मेहता साहब, अरे कुछ तो बोलिए, सबकी नजर आप पे टिकी है। एक आइडिया है। मिल गया, मिल गया। मैंने बोला था मेहता साहब ढूंढ के निकालेंगे कुछ ना कुछ। हाँ लेकिन दोस्तों, आइडिया है थोड़ा मुश्किल। मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने के लिए हम किसी भी मुश्किल रास्ते पे चलने को तैयार हैं। बस आइडिया दसो। हाँ भले कांटे बीटे चुपे खून निकले, हम पीने को तैयार है। बोलो बोलो, बोलो। नहीं नहीं, इतना हिंसक रास्ता नहीं है जेठलाल। मतलब एक खाली कह रहा हूँ कि कोई भी रास्ते पे हम चलने को तैयार है। हाँ, अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो पार्टी हो जाए। अच्छा, क्या क्या क्या? देखो क्या है, आज तक हम जब भी पार्टी करते हैं तो समस्या क्या है? क्या है समस्या? ये है कि हम जब भी पार्टी करते हैं गोकुलधाम में पता चल जाता है और हमारा प्लान चौपट हो जाता है। उसका समाधान क्या? क्या क्या समाधान? क्या समाधान? ये है कि हम पार्टी करने से पहले ही सबको सूचित कर देंगे हम पार्टी करने वाले। अगर पहले से ही सूचित कर देंगे और फिर पार्टी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मेहता साहब? मतलब ये हाथी भाई कि हम पार्टी शार्टी करने से पहले अपनी अपनी बीवियों को बता देंगे हम पार्टी करने वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह से मना ले, और जब हम कह देंगे हम पार्टी करने वाले और फिर पार्टी करेंगे तो पकड़े जाने का वो खतरा ही नहीं है। मेहता साहब, आपको ऐसा लगता है कि हम सबकी बीवियां मान जाएगी? यही तो मुश्किल रास्ता मैं कह रहा था भाई, इतना आसान नहीं है बीवियों को मनाना, लेकिन हम मनाएंगे। हम बात करेंगे ना कि भाई हम हफ्ते में सातों दिन काम पे जाते हैं, हमारे व्यापार पे जाते हैं,
काम धंधे में लगे रहते हैं हम लोग, कितने तनाव होते हैं आज की जिंदगी में, तो सातों दिन अगर बेचारा मर्द काम करता है, व्यापार करता है, तो हफ्ते में एक दिन उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने का, अनवाइंड होने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो और हम तो हफ्ते में एक दिन भी नहीं, हम तो कितने दिनों बात कर रहे हैं, एक दिन के लिए कहेंगे भाई जरा हमें रिलैक्स होने दो, हम मनाएंगे उन्हें। नहीं बराबर है, मुझे तो लगता है मेहता साहब का आइडिया एकदम बराबर है। पर क्या पहले से बता देने का एक और फायदा है। क्या फायदा है जेडल? हम कह सकते हैं कि देखो भाई, हम बिना बताए पार्टी कर सकते थे, लेकिन वो गलत है, इसलिए हम आपसे पूछ के आपकी परवानगी लेके पार्टी करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उनके दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी और वो खुशी खुशी हमें परवानगी दे देंगे। हाँ, उनके दिल में आएगा कि भाई हमारे पति लोग चुपके कोई काम नहीं करते। सही बात है जेठा भाई, आपकी बात में दम तो है, फिर भी थोड़ा डेंजर है, मेरे को तो डर लग रहा है। ओए मेरे दोस्त बबीता जी से आपको परमिशन मांगनी होगी, मैं भी रोशन डालिंग से मांगूंगा ना। हाँ, अरे भाई गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह मेहता साहब वाह। जनरल मेहता साहब ने बोला, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब, एक मिनट मेहता साहब जरा समझाइए अय्यर भाई को। तो फिर तुम क्यों वाह 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 कर रहे थे? अरे मैं आपको समझाऊंगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे। मेहता साहब क्या है, आपको आपकी भाषा में समझाएंगे। देखिए भाई, शायर ये कहना चाहते हैं अय्यर भाई और दोस्तों को, भी गिरते हैं शह सवार की मैदान जंग, लड़ाई का मैदान होता है तो कौन होता है, जो सैनिक लड़ता है वो किस पे होता है? घोड़े पे। जो घोड़ा सवार होगा वो गिरेगा। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के बल चलता है वो बच्चा गिर नहीं सकता है। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, आप ऐसे ही हार मान लोगे क्या? कोशिश करेंगे हम लोग। अभी समझ में आया अय्यर भाई? हाँ आ गया, आ गया। हाँ, तो फिर ये तय रहा कि हम लोग अपनी अपनी पत्नी से परमिशन लेके पार्टी शार्टी करेंगे। एक मिनट भाई। पप्पू होने क्यों हो गया यार? अरे भाई इस प्लान में बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढा? अरे गड्ढा तो बेड के ऊपर होता है, प्लान में कैसे आएगा? अय्यर भाई गड्ढा नहीं गड्ढा। प्लान में क्या गड्ढा है पोपटलाल? अरे भाई मेरी बहनें तो भोली है, वो तो मान जाएंगी, लेकिन चाचा जी को कैसे मनाओगे जेठालाल? तेरी चाचा जी को कैसे भूल गए यार? हाँ बाप रे, सीनियर गड़ा ही सबसे बड़ा गड्ढा है। ए भिड़े, सॉरी मेरा मतलब है जेठालाल चाचा जी को कैसे मनाएंगे हम लोग? हाँ कोई चांस ही नहीं है। हाँ जेठालाल इस बारे में तो सोचा ही नहीं भाई, चाचा जी को कैसे मनाएंगे? मेहता साहब बापू जी को मनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, चाचा जी तो सबसे बड़ा खतरा है, उन्हें मनाए बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? मैं चाचा जी की परमिशन नहीं मिलती है तो मैं तो प्रोग्राम से आउट हूँ भाई, मैं पार्टी शार्टी कैंसिल। चलो दोस्तों गुड नाइट। अरे भाई एक मिनट। ओए खबरदार पप्पू, जो तूने पार्टी शार्टी को कैंसिल करना बोला तो एक बार जेठापुरा की बात तो सुन। बोलिए भाई। मैं ये कह रहा था कि बापू जी को मनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बापू जी कल दोपहर को अपने दोस्तों के साथ पुणे जा रहे हैं। यही बात खड़े होके बोल। जरूर जरूर। हाँ तो भाई दोस्तों, पार्टी को कैंसिल करना कैंसिल, पार्टी तो होगी। तो फाइनली अभी सारे रास्ते क्लियर, अभी हम मिलके पार्टी शार्टी मनाएंगे। यस, मतलब अपना प्लान सेट है। यस सेट है, ये सेट है, एकदम सेट है। ओए होए पार्टी शार्टी का प्लान सेट है। यस यस सेट है, ये सेट है, एकदम सेट है। अरे भाई क्या सेट है, पहले प्लान बनाइए तो सही। हाँ करो करो भाई, पहले प्लानिंग करो। सच कहूँ तो मुझे पीने से ज्यादा मजा वो पीने का जब प्लानिंग करते हैं ना उसमें आता है। करो 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 प्लानिंग करो। सबसे पहले जगह डिसाइड करो, पार्टी शार्टी कितने करनी? किसी बढ़िया होटल में चलते हैं। नहीं नहीं हाथी भाई, होटल नहीं है, होटल बहुत महंगा पड़ जाएगा। नहीं महंगा तो ठीक है। अच्छा हाँ, क्या है ना भीड़ भड़क के में मजा नहीं आता पीने का,
और मैं क्या कहता हूँ कि पाली चैरिटी अपने सोसाइटी में किसी के घर पे रखते हैं। हाँ, वैसे भी बापूजी है नहीं और पार्टी भी हम महिला मंडल की परवानगी लेके कर रहे हैं। और रही बात टप्पू सेना की, वो तो बड़ी हो गई है, वो तो अपने ही धुन में रहते, तो पार्टी शार्टी किसी के घर में करने में क्या प्रॉब्लम है। ओ यारो, पार्टी शार्टी अगर गोकुल धाम सोसाइटी में ही करनी है तो एक ही जगह सबसे बेस्ट है, यहाँ बैठे हैं। ठीक है भाई, पार्टी की जगह कंफर्म, पार्टी मेरे घर पे होगी बस। अरे पप्पू यार, तू इतनी आसानी से कैसे मान गया? तो मुझे पता है गोकुल धाम सोसाइटी में अगर पार्टी करनी है तो मेरे घर से ज्यादा बढ़िया और कोई लोकेशन नहीं है। क्या ना, यहाँ पर हम लोग खुल के एंजॉय कर पाएंगे। तो क्या है ना सोड़ी, तू मुझे रिक्वेस्ट कर करके मनाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मान जाऊँ। आई रिस्पेक्ट यू सोड़ी, व्हाई वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। क्या बात है बाबू, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं ज्यादा रिक्वेस्ट कर भी नहीं पाता। चलो यारो, जगह का तो हो गया, अभी नेक्स्ट प्लान करते हैं। दोस्तों, खाने की जिम्मेदारी मेरी। फिर खाना लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे बड़े मास्टर, मेरे कहने का मतलब वही था कि खाने की चीजें लाने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, वैसे ओ लगा बेस्ट से बेस्ट मंचिंग लाऊंगा। आदि भाई, और साथ में पनीर टिक्का ना भूलना। अरे नहीं छोटी, पनीर टिक्का भी होगा और मसाला काजू रखना। हाँ। अरे नहीं नहीं, मसाला काजू, मुझे काजू बहुत महंगे है जेठालाल, काजू नहीं, हम लोग मसाला सिंह मंगाते हैं ना, काजू क्या 1000 रुपए किलो है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, काजू रहने देते, वो मसाला सिंह बराबर। तो एक काम करना आदि भाई, आप मसाला काजू ही मंगाना, ये क्या भिड़े और पोपटलाल नहीं खाएंगे। ठीक। क्यों नहीं खाएंगे भाई? क्यों नहीं खाएंगे? अरे तुमने ही कहा ना भाई, बहुत महंगे है काजू। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा तो खाऊंगा मैं। मैं भी। हाँ तो भाई खाओ ने भाई, एक तो कितना टाइम के बाद हम लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं, उसमें भी कंजूस है भाई। मेरा तो उसूल है, पार्टी शार्टी करो तो दिल से करो, वरना ना करो। क्यों शार्टी? ओ बिल्कुल क्रैक किया जेड़ा ब्रो, मेरे दिल दी गल क्या देती तुसी। अरे भाई कहाँ तुम लोग काजू और नमकीन की बात कर रहे हो भाई, ये तो हो जाएगा, जो मेन चीज है उसकी बात करो भाई। मेहता साहब, अभी तो चखने का डिस्कशन हो रहा है, खाने की क्या क्या लिस्ट बनेगी वो उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। गाड़ी कितने चढ़ ली? अरे आती भाई, मैं खाने की नहीं पीने की बात कर रहा हूँ, पीने की। अरे भाई, जिस मुख्य चीज के लिए हम पार्टी कर रहे हैं उसकी तो बात करो, उसका इंतजाम कौन करेगा? हाँ करेक्ट है, वो चीज जरा A1 होनी चाहिए। लेकिन उसका इंतजाम कौन करेगा? भाई दोस्तों, उसका इंतजाम मैं करूंगा। और मेरा अच्छा दोस्त भी है, उनके पास क्या फॉरेन की बोतल की एजेंसी है, वो? तो उनको एक फोन करूंगा ना, तो बहुत बढ़िया चीज भेजेंगे वो। अरे वाह, वो तो फ्री में आ जाएगी। भाई फ्री में थोड़ी कोई भेजता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, तो फिर डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? हाँ थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। पार्टी कर रहे तो फिर खुल के क्या दिक्कत है? हाँ पोपटलाल है ना भाई साथ में, फिर क्या टेंशन है? नहीं नहीं, ऐसे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो भाई, इस चीज का भी इंतजाम हो गया, अब और कोई चीज बाकी है? नहीं नहीं नहीं, बाकी सब प्लेट्स ग्लास सब है मेरे घर पर। पप्पू, तेरे घर पर ग्लास तो वो स्टील वाले होंगे ना? हाँ बहुत बड़े वाले ग्लास है भाई। अरे स्टील के ग्लास में कोई पीता है क्या? ये तो मतलब पीने की तौसीन है। जेठालाल, तौसीन नहीं, पीने की तौहीन है। वही वही। अरे स्टील के ग्लास में पीना पीने की तौहीन है पोपटला। अरे भाई, ग्लास स्टील का हो के ग्लास ग्लास का हो, उसे क्या फर्क पड़ता है भाई, मेन चीज तो अंदर की है ना, वो थोड़ी बदलने वाली है। फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है। अरे पीना है तो कुछ शायराना अंदाज में पियो यार, ऐसे थोड़ी है कि ग्लास में डाला और पी गए। हम लोग पार्टी कर रहे हैं किस लिए? मौज के लिए, आनंद के लिए। अरे कांच का ग्लास हो जिसमें भीतर दिखे हीरे के टुकड़ों की तरह बर्फ, उस बर्फ में ऊपर से धीरे धीरे गिरे पिघले हुए सोने की तरह सोमरस, पिघला हुआ स्वर्ण जब हीरो के टुकड़ों से टकराए, तो ऐसी चमक पैदा हो जैसी चांदी में, और उसमें टपकती हुई वो सोडे की मोती जैसी बूंदे, ये सब मिलके एक ऐसा मनोरम दृश्य पैदा करता है पोपटलाल की,
पीने का मजा दुगना हो जाता है। पीने के लिए नहीं पीते हैं दोस्त, इस मजे के लिए पीते हैं। मेहता साहब क्या एक्सप्लेनेशन दिया है आपने, वाह गजब गजब था ये जो बताया इन्होंने। एक और भिड़े भिड़े के लिए एक और बना। यारो मैं क्या कहता हूँ, परमिशन वर्मिशन छोड़ो यार, आज ही पार्टी शादी कर लेते हैं, मैं बोतल लेके आता हूँ। बापू जी अभी है भाई, ऐसा नहीं कर सकते भाई। ओ पिड़ू, ओ खुद ने तो एक गिलास पी लिया, मैंने मना कर रहे। मैं समझ सकता हूँ सूढ़ी, समझ सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल पार्टी करेंगे परमिशन के बाद, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। पिड़ू ठंड रख यार, मेरे से नहीं कंट्रोल होता है ना। कैंसल कैंसल भाई, स्टील के ग्लास में पीना कैंसल। सोड़ी तू मस्त कांच के ग्लास लेकर आ। यस ओ यारो, ओ कांच के ग्लास की जिम्मेदारी मेरी, बढ़िया ग्लास लेके आऊंगा। लेकिन अभी आखिरी चीज, ओए म्यूजिक, ओ म्यूजिक के बगैर तो अपनी पार्टी शार्टी अधूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, म्यूजिक की भिड़े गाएगा ना। हाँ भिड़े मस्त गाता है भिड़े, तो गाना और हिंदी गाने के साथ साथ थोड़ा मराठी गाना भी गाना, लावणी भी उन्हें गाना, मजा आएगा मराठी की है, मराठी मजा। एक मिनट, क्या मजा आएगा, मतलब मी गाइस तू भी पैसे। अरे तो पीते पीते गाता ना भिड़े। अरे ऐसे थोड़ी होता है पीते पीते गाना, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। अरे मजाक कर रहे यार। अरे दोस्तों सुनिए 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 भाई, म्यूजिक सिस्टम है मेरे पास, गानों का बंदोबस्त मैं करूं। क्या बात है। लेकिन भाई पोपटलाल शादी के गाने मत बजाना, गाने तक एकदम तड़कते फड़कते होने चाहिए। दोस्तों हम सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये पार्टी तब होगी जब हम अपनी अपनी बीवियों को मना पाएंगे, तो सबसे पहले जरूरी है पत्नियों से परमिशन लेना। सही बात है, अगर हमारी पत्नियां नहीं मानी तो हमारी मन की बात मन में ही रह जाएगी। यस यस। फिर ओ हाथी भाई, ओ ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ओ बी पॉजिटिव यारो, अब हमको अपने घर जाना है और अपनी बीवियों को परमिशन के लिए मनाना है, तो शुरू करते हैं अपना मिशन परमिशन। अरे वाह सोडी, क्या नाम दिया है, मिशन परमिशन। थैंक यू जयरलाल, मिशन पर मिशन नहीं, मिशन पर मिशन। हमें वही तो बोला, मिशन पर मिशन। जयरलाल, अरे अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले घर जाते हैं और मिशन परमिशन का आरंभ करते हैं। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो गुड नाइट गुड नाइट। चलो हाँ दोस्तों, मैं क्या कर रहा था भाई, अपनी अपनी बीवी से परमिशन मांगने के लिए जो भी बात करो जरा सोच समझ के करना। मैं तो कहता हूँ कि प्लानिंग करके ही बात करते हैं, अगर गलती हो गई ना तो परमिशन की जगह पनिशमेंट मिलेगी। अरे तुम खास ध्यान रखना। हाँ भाई सही बात है, रोशन भाभी इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। यारो तुम सब मिलके मेरे को डरा रहे हो। बात तुझे डराने की नहीं है सोड़ी, तेरी बात नहीं, हम सब का हाल वही है, मनाना तो हम में से किसी की भी बीवी को आसान नहीं है भाई, इसलिए थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के बात करना। ठीक है ठीक है। एक शंका है कि आप सबको परमिशन मिल गई और अगर माधवी ने मुझे परमिशन नहीं दी तो तू मत आना। क्या मत आना, मैं तो आऊंगा, मैं तो परमिशन लेके रहूंगा, माधवी को मैं मना के रहूंगा। शाबाश। मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं ऐसा हुआ कि माधवी भाभी ने तुझे परमिशन दे दी लेकिन हम में से किसी को परमिशन नहीं मिली तो? अरे क्या ऐसा सोचने की है जेठालाल, सबको परमिशन मिलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। सकारात्मक सोचो, केल्याने होता है रे आधी केले ची पाहिजे। केला केला का भाजी? नहीं 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 भेड़े मास्टर, केले की भाजी ड्रिंक के साथ मजा नहीं आएगी, केले का वेफर रखेंगे। अरे इनसे खाई, चलो 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 चलो। अरे आ गए टप्पू के पापा? आ गया आ गया भैया आ गया। क्या अलमारी में क्या देख रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था दया। क्या? अपनी गलती। अलमारी में आपकी कौन सी गलती है? देखना दया, तेरे पास कितनी कम साड़ियां हैं। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेरे पास
बहुत साड़ियाँ हैं। आपके पास जितने पैंट शर्ट है ना, उससे भी ज्यादा मेरे पास साड़ियाँ हैं। अच्छा चल होगी, लेकिन सब कितनी पुरानी साड़ियाँ हैं, एक भी नई साड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक काम करते दया, ये शनिवार को हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और तेरे लिए ना मस्त नई नई साड़ियाँ लेकर आते हैं। टप्पू के लिए क्यों, उसे थोड़ी मनाना है। क्या मनाना है? उसका थोड़ी हमें बर्थडे मनाना है कि उसके लिए शॉपिंग करें अभी। हाँ है, पर उसके कपड़े पुराने हो गए हैं और कुछ कपड़े जो है ना उसको छोटे होने लगे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, उसके लिए भी शॉपिंग कर लेंगे बस, लेकिन सबसे पहले तेरे लिए साड़ी की दुकान में जाकर साड़ियाँ खरीदेंगे। टप्पू के पापा, सबसे पहले हम खादी भंडार जाएंगे। खादी भंडार क्यों? वो क्या है, बापूजी के लिए खादी के नए कुर्ते पैजामा खरीदने हैं और उनके लिए नई टोपी भी खरीदनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं दया, ये शनिवार को हम लोग सिर्फ टप्पू का और बापूजी का शॉपिंग करने जाएंगे, तेरे लिए साड़ियाँ फिर कभी लेने जाएंगे। अरे क्यों क्यों है ऐसा, क्यों हो गया अचानक, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कब से बोल रहा हूँ तेरे लिए हम लोग जाते हैं साड़ियाँ लेकर आते हैं, तो तू कभी टप्पू की बात करती है, कभी बापूजी की बात करती है। मुझे कितना उत्साह है तुझे साड़ी दिलाने का, लेकिन सब मेरे उत्साह पे पानी फेर दिया। मैंने सोचा था ए, ना मस्त तेरे लिए कांचीवरम सिल्क की नई नई साड़ियाँ खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुझे नहीं खरीदनी है तो क्या कर सकते, फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे पता है दया, तुझे नई साड़ियाँ लेना कितना पसंद है। मेरी पसंद ना पसंद का आप कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू। मैं थैंक यू क्या पगली, जब तू मुझे इतनी पसंद है तो तेरी पसंद ना पसंद का ख्याल तो मुझे रखना ही चाहिए ना। और साड़ी क्या चीज है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है मुझे, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पता है मुझे। हाँ लेकिन एक बात है, तू मेरे लिए जितना करती है ना, उतना मैं तेरे लिए नहीं कर पाता। नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो है वो है, मैं तेरे लिए नहीं इतना नहीं कर पाता। चल ठीक है चल, अभी शनिवार को शॉपिंग जाना पक्का बराबर। नहीं 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 टप्पू के पापा, शॉपिंग करने के लिए हम शनिवार को नहीं, कल शाम को ही जाते हैं। कल? हाँ, वो क्या है, बापूजी कल दोपहर को पुणे जाने वाले हैं और टप्पू को शाम को ट्यूशन है, तो हम लोग कल शाम को जा सकते हैं ना शॉपिंग करने के लिए। नहीं 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 नहीं, कल नहीं। क्यों क्यों नहीं जा सकते? कल नहीं जा सकते दया। अरे पापा, पर क्यों नहीं जा सकते? कल वो हम सबको पोपटलाल के घर पे जाना है। पोपट भाई के घर क्यों? वहाँ एक छोटी सी पार्टी है। पार्टी? पोपट भाई के घर पार्टी है और आप अभी बता रहे हैं? मैं एक काम करती हूँ, सुबह ही पोपट भाई को कह दूंगी कि मैं आपके घर आ रही हूँ, पार्टी का सारा खाना मैं बनाऊंगी। वो बेचारे अकेले है, कितनी तैयारी करेंगे। और हाँ, अंजलि भाभी को भी कह दूंगी कि सलाद की जिम्मेदारी आप। रुक भाई, अपनी गाड़ी का ब्रेक मार भाई, हम सबको पोपटलाल के घर जाना है, मतलब सिर्फ हम सब जेंट्स को जाना है। क्या? हाँ सब जेंट्स लोग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पार्टी में सब लोग आएंगे, लेडीज भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, सब लोग आएंगे। टप्पू के पापा, अरे भाई तो समझिए, ऐसी पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी नहीं तो कैसी पार्टी है? मतलब ये सिर्फ जेंट्स लोगों की पार्टी है। अरे क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा, पार्टी तो पार्टी होती है, उसमें लेडीज क्या और जेंट्स क्या? ये तो समझ नहीं है दया, ये थोड़ी अलग अलग पार्टी है, थोड़ी वाली पार्टी है। ये आप क्या ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ साफ साफ बताएंगे। पार्टी में हम सब जेंट्स मिलके थोड़ा थोड़ा तो लेने वाले। अरे शांति रख भाई, पर बापूजी जाग जाएंगे तो बबालो जाएगा, वो ऐसे कान बंद करके नहीं सोते हैं भाई।
नहीं टब्बू के पापा आप ऐसे नहीं करेंगे टब्बू के पापा प्लीज 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 टब्बू के पापा क्या कर रही है तू ये क्या तू राई का पाड़ बना रही है अरे थोड़ा उसमें कुछ नहीं होता है सभी लोग थोड़ा थोड़ा तो कभी ना कभी लेते ही है अरे टप्पू के पापा सब लोग लेते हैं उसका मतलब आपको भी लेना जरूरी है दया अरे क्या दया मेरी माँ हमेशा कहती है कि थोड़ा थोड़ा करके जाता है भाई तेरी बात बराबर है सासू माँ की बात भी बराबर है हाँ तो व्यसन होता है लेकिन कभी होता है रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा लो तो साल में एक आध बार थोड़ा सा कुछ नहीं होता थोड़ा लेने में कुछ नहीं तो फिर आप लोग छाछ की पार्टी कीजिए ना छाछ की पार्टी हाँ छाछ का व्यसन हो तो वो तो उल्टा अच्छा है अरे भाई छाछ का तो व्यसन मुझे है रोज पीता हूँ मैं छाछ बस तो फिर छाछ की पार्टी कीजिए ना मजा आएगा दया जरा समझ रोज भाग दौड़ काम धंधे का टेंशन तनाव वो सब रहता है तो ऐसे में यार दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लिया तो उसमें कुछ नहीं होता है उल्टा के इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आपको रिलैक्स होना है ना तो उसके और तरीके है मेरे पास क्या मैं आपको चमेली के तेल से मस्त चंपी मालिश कर दूंगी रिलैक्स हो जाएंगे आप अरे भाई चंपी से खाली शरीर रिलैक्स होता है मन का क्या अरे उसका भी उपाय है मेरे पास क्या भजन मेरी माँ हमेशा कहती है कि भजन सुनने से इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है तन और मन तो रिलैक्स होता ही है बोनस में आत्मा भी रिलैक्स हो जाती है तो आप सब लोग भजन पार्टी कीजिए मजा आएगा मैं तेरी हर पसंद का ख्याल रखता हूँ कि नहीं हाँ रखते ना तो तुझे भी मेरी हर पसंद का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं हाँ हाँ रखना चाहिए बस तो फिर मुझे साल में एक आध बार यार दोस्तों के साथ बैठ के ऐसी थोड़ी पार्टी करना पसंद है तो मेरी ये पसंद का ख्याल रखते हुए तुझे पार्टी में जाने की मुझे परवानगी देनी चाहिए कि नहीं हाँ, पर वो दया देख तुझे बिना बताए मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैंने बोला नहीं आज तक मैंने मेरी दया से कुछ नहीं छुपाया है इसलिए अगर मेरी दया मुझे परवानगी देगी तो ही मैं पार्टी में जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा थैंक यू टप्पू के पापा पर मुझे वो सब पसंद नहीं है तो मेरी पसंद का ख्याल करते हुए आप अरे दया मुझे भी ये सब पसंद नहीं है तो फिर अरे क्या है साल में एक बार ऐसा थोड़ा अलग मजा का भी एक मजा है इसलिए और कुछ नहीं तो जाऊं कि नहीं हाँ जाइए थैंक यू लेकिन दया एक बात का ध्यान रखना ये पार्टी के बारे में बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए पर मुझे बता रहे तो फिर बापूजी को बताने में क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए ना दया तू जानती है ना हम लोग ये पार्टी रिलैक्स होने के लिए कर रहे टेंशन तनाव दूर करने के लिए कर रहे टेंशन तनाव बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे ना इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भूल के दे तो ये पार्टी के बारे में बापूजी के सामने कुछ बोल मत पड़ना प्लीज हाँ ठीक है थैंक यू दया थैंक यू मैं कितना नसीबदार हूँ दया कि मुझे तू मिली है जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे कि भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिए अरे बस बस अभी मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और सो जाइए ओके चलो आश मुझे तो वीजा मिल गया हे भगवान बाकी सब जेंट्स को भी वीजा मिल जाए ऐसा करना प्लीज
काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। अरे बाबा बाबा अंजलि तुम कब आई हैं? तारक तस्वीर मेरी देख के ये क्या आप लिख रहे हैं? नहीं नहीं बाप कुछ नहीं। बोलिए ना। नहीं कुछ कुछ नहीं। तारक जिसकी तस्वीर है उसे तो कुछ बताइए। अरे नहीं कुछ नहीं अंजलि वैसे ही बस सोचा आज तुम पे कुछ लिख दूं। क्या बस क्या है ना अंजलि पति पत्नी साथ रहते हैं जीवन साथी होते हैं लेकिन साथ रहते हुए कई बार एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते तो मुझे लगा कि जो मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में वो लिख दूं तो वैसे ही दो पंक्तियां लिख दी। क्या ऐसे ही कुछ लिखा है कि मेरी किस्मत की कली भी कैसी खिली है कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। वाह वाह क्या बात है। मेरी सुबह का मेरी शाम का मेरे दिन का मेरी रात का तुम ख्याल रखती हो मेरी हर बात का मेरी डाइट का मेरे मूड का मेरी सेहत का तुम ख्याल रखती हो मेरे सुकून का मेरी राहत का। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे मिला है तुम्हारा साथ क्योंकि तुम जान लेती हो मेरे मन की हर बात। स्वीट तारक वैसे एक कॉम्प्लीमेंट तो मुझे भी देना पड़ेगा आपको कि मुझे भी आज तक ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जरूरत होनी भी नहीं चाहिए अंजलि जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि पति-पत्नी पति-पत्नी होने से पहले दोस्त होने चाहिए अच्छे दोस्त ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से कुछ न छुपाए क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से कोई बात छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल पता है तारा मेरे हिसाब से पति-पत्नी सिक्के की दो बाजू है अलग होते हुए भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। एग्जैक्टली भाई सच्चे जीवन साथी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। जैसे आज ही की बात देख लो भाई सोडी के विशेष आग्रह पे पोपटलाल के घर पे एक पार्टी शार्टी का आयोजन है उसमें थोड़ा सुरा सुराई का भी प्रोग्राम है। क्या? अब पूरी बात तो सुन लो अंजलि प्रोग्राम है सुरा सुराई का तो मैंने कहा भाई अंजलि बड़ी स्ट्रिक्ट है वो मुझे खाने पीने के लिए रोकती है लेकिन ऐसी चीजों में अंजलि कभी मना नहीं करती। तारक आपने ऐसा कहा कैसे मुझे ये पार्टी शार्टी और पसंद नहीं है ना। ऑफ कोर्स तारक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि अंजलि इसके सख्त खिलाफ है अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी गुड लेकिन अंजलि ये जानती है कि भाई एक लेखक को कभी कभार ये सब करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्यों कभी कभी भी ये सब करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए तारक बिल्कुल नहीं ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा करने की क्या जरूरत है। ये एक सामान्य पत्नी सोच सकती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक लेखक की पत्नी जो स्वयं जीनियस है इंटेलिजेंट है भाई वो जानती है कि भाई सुरा तो ऐसी चीज है जिसमें गालिब साहब से लेके हरिवंश राय बच्चन तक ने क्या महान रचनाएं की है। तो एक लेखक की पत्नी ये जानती है कि उसके पति को कभी कभार ये अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बुराई है मुझे लगता है कि ये सब करने की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब चीजों से हेल्थ बिगड़ती है। एग्जैक्टली हेल्दी नहीं है लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारा तो डाइट का कमाल है तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम ये भी जानते हो कि इनसे जो भी अनहेल्दी चीजें बॉडी में आती है वो दूसरे दिन करेले नींबू आंवला इन सब का जूस पीने से ठीक हो जाता है। थैंक गॉड मेरे साथ साथ अब आप भी जानने लगे हैं पर आपको पार्टी शार्टी की परमिशन नहीं मिल सकती। हाँ मैंने कहा उनको मैंने कहा अंजलि बिल्कुल परमिशन नहीं देगी सख्त लहजे में मना कर देगी लेकिन धीरे धीरे मान जाएगी। अच्छा मैं धीरे धीरे क्यों मान जाऊंगी। अरे क्यों तुम मुझे समझती हो ना। हाँ समझ रही हूँ बस मैंने अपने दोस्तों से ठीक कहा ना। आई अग्री आप जो भी कुछ कह रहे हैं तारक एकदम सही कह रहे लेकिन आप लेखक है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पार्टी शार्टी करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना। और हाँ साल में एक आध बार मैं आपको ऐसी पार्टी शार्टी की परमिशन दे सकती हूँ ज्यादा बिल्कुल नहीं। यही कहा मैंने मेरे दोस्तों से यही कहा कि अंजलि मुझे परमिशन देगी लेकिन साल में एक आध बार मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अच्छा तो मेरे प्यारे पतिदेव आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ वो भी आपको पहले से पता होता है। बिल्कुल तो अब मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या कहने वाली हूँ। अब बाप मेरे ख्याल से अभी तो तुम यही कहने वाली हो कि भाई ये बाप वो तो तुमने खैर कह ही दिया है कि
पार्टी शार्टी एक आध बार करना कोई दिक्कत नहीं है तो हम कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या बताइए बताइए, क्या बताइए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में मेरा ध्यान तुम्हारी तस्वीर को देख के कुछ लिखने में था ना, तो वो थोड़ा दिमाग अभी कंफ्यूज हो गया है। तारक, मैं ये कहने वाली हूँ कि चलिए रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, चलो चलो, मैं सब रख के आता हूँ। हाँ, चलो, ओके, चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलो, मुझे तो मेरे लेखक होने का फायदा मिल गया, पर भिड़ी का क्या होगा? क्या करूं क्या करूं, कैसे मनाऊं माधवी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे मास्टर जी, ऐसे घूमने से थोड़ी कुछ सूझेगा, सोचो सोचो। जब आपके स्टूडेंट की एग्जाम होती है तब आप क्या कहते हो उन्हें? कि डरो मत, खुद पढ़ो, डटकर मुकाबला करो। आपको भी तो वही करना है। यस, खुद पढ़ता हूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। परमिशन मांगने जा रहे हो? देने नहीं। ओहो, बस भी कीजिए, कितना चलेंगे आप? पैर बोलने लगे, उससे पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात है, क्यों चल रहे इतना? बताता हूँ माधवी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। जनरली लोग मुंह से ही बताते हैं। माधवी, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डर किससे? कबूतर की तरह मुंडी क्यों हिला रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, किससे डर लग रहा है? तुमसे। मुझसे? मुझसे कब से डरने लगे आप? तुमसे डर लग रहा है मतलब तुमसे नहीं डर रहा हूँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे डर ये है कि तुम ना कर दोगी। किस बात की ना, पहले बात तो बताइए। बताता हूँ, लेकिन पहले वचन दो कि तुम ना नहीं कहोगी। अरे लेकिन बात तो बताइए। पहले वचन तो दो कि ना नहीं कहोगी। और ना क्यों कहूंगी, आप बात तो बताइए पहले। अरे लेकिन वचन तो दो। वचन कैसे दे दूं मैं? माधवी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास आए? विश्वास आए ना, ऐसे कैसे विश्वास नहीं, विश्वास आए। तो फिर वचन देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं ना नहीं कहूंगी। थैंक यू माधवी। अब बताइए क्या बात है? दरअसल बात ये है कि पोपटलाल है ना, पत्रकार पोपटलाल, उसी विंग में रहता है दूसरे माले पे। गोकुलम के सारे जेंट्स उसके घर पे मिलने वाले हैं, तो मुझे भी वहां जाना है। कमाले, गरज पोपट केला तुम्ही। इतनी सी बात के लिए आप कब से ड्रामा कर रहे थे? चल रहे थे, डर रहे थे, वचन मांग रहे थे। कमाले, जाइए पोपट भौजी के घर, एंजॉय कीजिए। अरे नहीं नहीं, मतलब मैंने उसके लिए वचन नहीं मांगा। दरअसल बात ये कि वहाँ पे हम सभी मिलकर पार्टी शार्टी करने वाले हैं, पीने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना है। पार्टी शार्टी? अजी बात नहीं। अरे ये माधवी, ये अलग क्या करते? अरे अरे ये माधवी, ये कमाल है, तुमने मुझे वचन दिया है। अरे काय वचन वगैरह, आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है। शिक्षकों की चीटिंग करते हैं आप? माधवी, मैंने शिक्षक होकर नहीं, पति होकर चीटिंग की है। तुम दोनों प्रोफेशन को मिक्स मत करो। आप प्रोफेशनली मेरे पति? नहीं मतलब वो बगा बगा, पार्टी शार्टी के बाद से ही आपको इतनी चढ़ गई है, तो पता नहीं पार्टी शार्टी करने के बाद क्या हाल होगा आपका। अरे कुछ नहीं होगा माधवी, मैं कंट्रोल में पार्टी शार्टी करूंगा। पार्टी शार्टी करने वाले लोग पार्टी शार्टी करने से पहले यही बोलते हैं। माधवी, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? समझाता हूँ, बैठो बैठो, मुझे बताओ एक बॉटल में कितनी क्वांटिटी होती है? शी, माला का वेट। सॉरी सॉरी, क्या है, एक खंबे में 750 मिलीलीटर क्वांटिटी होती है। खंबा कहाँ से आया? अरे माधवी, बॉटल को खंबा बोलते, इतना भी नहीं जानती तुम? आपको बड़ा पता है? नहीं जानता नहीं हूँ, बेसिकली ये सोडी की वजह से मुझे पता है।
वो क्या है, वो बोलता रहता है ना ये सब, और उसकी वजह से भाषा भी कितनी खराब हो गई मेरी खंबा। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग 7 जन हैं, जेठालाल, मेहता साहब, अय्यर, सोड़ी, पोपटलाल, मैं और हाथी भाई, बराबर। तो 750 / 7 कितने हुए? आपका गणित तो तैयारी होगा। 107.14 मिलीलीटर। तैयारी मतलब कहरी वाली बात ये है कि हर एक केस में 100 ml जितनी क्वांटिटी आएगी। अब 100 ml मतलब कितना होता है, आधा कप चाय भी नहीं, और उसमें भी अगर सोड़ी ने ज्यादा पी ली तो उतना भी नहीं आएगा। तो इतने से मैं किसी को क्या होने वाला है? चाय के आधे कप जितना हो या 1 चम्मच हो, बुरी चीज बुरी ही होती है। तो बुरा कैसे बोल सकती हो तुम माधवी, हमारे यहाँ तो देव भी सोमरस पिया करते थे। आप देव है? नहीं, इंसान। इसीलिए आपको नहीं पीनी चाहिए। माधवी, हमारे जमाने में पत्नियां पति पर कितना भरोसा करती थी, उन्हें जो चाहे वो करने देती थी। आपके जमाने में मतलब? आपके हर जमाने में मैं ही आपकी पत्नी थी। और रही बात भरोसे की, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इसके लिए आपको परमिशन नहीं दूंगी। माधवी माधवी माधवी, काश तुम समझ सकते कि मुझे कितना टेंशन रहता है। बच्चों के ट्यूशन का टेंशन, उनके पढ़ाई का टेंशन, उनके एग्जाम का टेंशन, एग्जाम के बाद उनके रिजल्ट का टेंशन, फिर उनके भविष्य का टेंशन, और सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी मेंटेन करने का टेंशन, सबके पास से मेंटेनेंस का चेक लेने का टेंशन। और ऐसे में अगर दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो क्या थोड़ी राहत मिल जाती, थोड़ा फ्रेश हो जाता। लेकिन और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में जो चाहे वो तोड़ो, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ो। ठीक है, जाइए आप। थैंक यू मधु, थैंक यू। मधु विधु कहीं नहीं, आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है, इसलिए जाने दे रही हूँ। अगली बार बिना बात जाने मैं आपको वचन ही नहीं दूंगी। टेंशन मत लो, मैं अगली बार चीटिंग करूंगा ही नहीं माधवी।